नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिका और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज होली का त्यौहार है और ये पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है ये हम कुछ बच्चों से जानेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं जिनसे हम पूछेंगे कि होली के पीछे क्या इतिहास है उसका, कि क्यों मनाए जाते हैं। हम आपका सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कौन सी कक्षा में हैं और होली क्यों मनाई जाती है उसके पीछे का क्या इतिहास है वो आप हमें बताएंगे। मेरा नाम है दीक्षा, मैं आपको बताती हूँ कि होली का त्यौहार कैसे मनाया जाते हैं। कुछ पूछो ना, हुई है कैसे मनाया जाता है होली का त्यौहार। एक दूसरे से गले मना के मनाया जाते हैं, बहुत ही खुशी से एक दूसरे को रंग लगा के मनाए जाते हैं, बहुत अच्छे से खुशी से। और इसके पीछे इतिहास क्या है? इसके पीछे का ये इतिहास है कि एक लड़का था वो जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जिसका नाम था प्रहलाद, और उसका जो पिताश्री थे वो थे हिरण्यकश्यप, जिनको विष्णु जी से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी थी, मतलब उनसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि वो उनकी पूजा करता, वो चाहता था कि वो मेरी पूजा करे। तो इसी को लेकर उसने अपने बहन को, जिनको विष्णु जी से मिला था, वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल पाएंगी, उसने अपने बहन को बोला था कि इसको लेकर आग में बैठ जाओ। वो तंग आ गए थे, बट जो हुआ वो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो प्रहलाद था उनको कुछ नहीं हुआ, उनका एक बाल भी बाकी नहीं हुआ, जबकि वो जलकर मर गई। अच्छा, ठीक है। तो आज आप होली कैसे मना रहे हैं? आज की होली बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से, खुशी से मनाई जा रही है, एक दूसरे को रंग लगा के इस होलिका की याद में ये मनाई जा रही है। जैसे पहले होली मनाई जाती थी, क्या आज भी वैसे ही मनाई जा रही है? आज भी वैसे ही मनाई जा रही है, पहले भी बहुत खुशी से और अभी भी बहुत खुशी से। बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो तो बच्चों को बाहर जाने नहीं देते खेलने के लिए, क्योंकि यही कि वो क्यों नहीं जान देते आपने बोला क्यों? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो नशे की लत में लगा हुआ है और इसीलिए जो गर्ल्स को या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बाहर जाने नहीं देते, बच्चों के साथ रंग नहीं लगाने देते, क्योंकि आजकल बहुत से केसेस हो रहे हैं मर्डर वगैरह, तो पेरेंट्स जो है वो डरते हैं इस चीज़ से। हाँ, यही बात है कि मैं भी यही बोलना चाहती हूँ अपने यूथ को कि हम जो भी है हमारे नशे में हम ऐसे रहें कि इतना बिजी रहें जो हमारे नशे में हमारे पास टाइम ही ना हो कि हम नशा कर सकें। हमें इतना बिजी रहना चाहिए, कोई इसी नशे की जगह हम कोई काम करें। हमें अपने माता पिता के लिए सोचना चाहिए कि हमारे पीछे भी कोई है। ओके, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। बस ठीक, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप होली कैसे मना रहे हो? बस अच्छे से। मज़ा आ रहा है? हाँ। कितना? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, और सुबह से कितने पैसे खर्च किए? बहुत किए हैं। कब से खेल रहे हो? सुबह से। सुबह से यही कोई 8 बजे से स्टार्ट किया होगा। 8 बजे से? कब तक खेलोगे? अभी बहुत देर तक खेलेंगे, शाम के कल भी खेलेंगे। आज वैसे हमारा होली नहीं है, ऐसे हम खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपकी होली तो कल होती है। हाँ जी। कहाँ से हो आप? हम बंगाल से हैं। और क्या कहते हैं, आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? नहीं, ये तो नहीं पता। नहीं पता ना? आपको भी नहीं पता? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते? हम सिक्स्थ में पढ़ते। फिर भी नहीं पता? मैम ने नहीं बताया हमें होली क्यों होता है। क्यों हिंदी में ऐसे नहीं पढ़े? होली का ऐसे कभी नहीं याद किया? नहीं, होली का ऐसे मतलब मैं तो एसपी में पढ़ती थी ना, एसपी में वैसे कोई पढ़ाते नहीं थे। और मैं भी एसपी स्कूल, एसपी स्मार्ट। हाँ, हाँ। वो तो बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं, वहाँ नहीं पढ़ाते थे हमें। फिर क्या नाम है, कोई क्या नाम है जहाँ मैं पढ़ती हूँ? आप अभी कहाँ पढ़ते? अभी कहाँ पे पढ़ते हो? गवर्नमेंट गर्ल स्कूल। अच्छा, और आप? मैंने आप नहीं पढ़ते? उसका ना दीदी आधार कार्ड बनाना है, इसका जो वो लगता है ना TC। हाँ? वो नहीं बना है, तो कहाँ से बनेगा? ये तो तहसील वगैरह से पूछो। अच्छा, वहाँ जाना है ना। अच्छा, तो चलो, आपको नहीं पता ना होली क्यों मनाई जाती है? हमें तो ये पता है। हाँ, खेलते हैं सारे। हाँ। बस इतना पता है। ये हिंदू का खुशी होता है, हिंदू का खुशी होता है, त्यौहार होता है मतलब। और इसको क्या कहते हैं? होली कहते हैं, कलरफुल फेस्टिवल भी कहा जाता है। और आपका नाम क्या है? पूजा, पूजा रॉय। आपका? सीजा, सीजा नहीं है, राधा। राधा, सीजा कौन है? वो उसका ही नाम था, सीजा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे।